आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं नैनीताल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो नैनीताल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गंगा को प्रदूषित करने का पूरा मामला सामने आया है। हाईकोर्ट ने प्रदूषित करने का जवाब तलब किया, जहां पर गंगा में कचरा फेंकने के मामले में तलब किया गया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की रिपोर्ट भी तलब की गई है। तो देखिए, एक बार फिर से हाईकोर्ट कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि देश में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट भी लगातार गंगा को जो प्रदूषित किया जा रहा है, लगातार उस पर सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे थे। और इसके बाद में एक बार फिर से हाईकोर्ट ने प्रदूषित करने पर अब जवाब तलब करने की बात भी यहाँ पर कही है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, जिस प्रकार से गंगा, जिन्हें हम माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन वही कई बार लगातार प्रदूषण का शिकार हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार भी प्रयास कर रही है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चलाया गया, लेकिन अब तक उसकी सफलता यहाँ पर नजर नहीं आ रही। और यही वजह कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट भी लगातार सख्त जवाब की तलाश यहां पर लगातार की जा रही है। अब आने वाले समय में क्या देखा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या और कम से कम कई सालों से यही समस्या सामने आ रही है। देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो है ये टिहरी जनपद से जुड़ा हुआ मामला है। और टिहरी जनपद में जो भागीरथी की पवित्र धारा है गंगा की, उसमें हाल ही में सरकार ने कुछ फ्लोटिंग रेस्टलैंड और इनको संचालित करने की अनुमति दी थी। और चूंकि इन फ्लोटिंग रेस्टलैंड के स्तर से जो मांसाहार कचरा है उसको गंगा में फेंके जाने का मामला सामने आया है, और कहीं ना कहीं गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है। इसी को लेकर के कुछ लोगों ने नाराजगी जताई और फिर हाई कोर्ट की शरण ली, और हाई कोर्ट में ये फरियाद की कि इसको तत्काल रोका जाए। और जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने जो है जो संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उससे जवाब तलब किया है, और साफ तौर पर ये कहा है कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी जो लैब की रिपोर्ट है उसको भी कोर्ट को उसको सौंपा जाए। और इसके साथ साथ जो गंगा को अपवित्र किया जा रहा है, जो प्रदूषित किया जा रहा है, इस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। देखिए, एक तरफ सरकार जो है वो सरकार कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करती है, लेकिन सरकार का की जो मनसा उद्देश्य था वो बिल्कुल साफ था। जिन लोगों ने ये लाइसेंस लिए कहीं ना कहीं इस लाइसेंस का दुरुपयोग किया जा रहा है, और आप गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। इसी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने तलब किया है, और हाईकोर्ट ने जो रिपोर्ट मांगी है उसमें साफ तौर पर इस बात को भी कहा गया है कि जो संबंधित अधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित कर ले कि ये जो गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है, किसी की भावनाएं जो तमाम, क्योंकि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र माना जाने वाली गंगा को अगर प्रदूषित किया जा रहा है तो तमाम लोगों की भावनाएं जो वो भी आहत हो रही है, तो ऐसे में इसको गंभीरता से लेना होगा और मौके का मुआयना कर स्थिति को देखना होगा। अब देखना होगा कि कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान जो संबंधित बोर्ड के अधिकारी हैं वो किस तरीके के तर्क रखते हैं, और ये जो बात सामने आई है कि गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है, जो कचरा डाला जा रहा है, इस पर किस तरीके का विराम जो है वो अधिकारी लगवा पाते हैं। जी बिल्कुल सोनू, और देखिए ये बात आप और हमें बहुत बखूबी तरीके से पता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, और सिर्फ यहाँ पर नैनीताल की बात नहीं कर रहे, पूरे देश की भी बात की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और गंगा को प्रदूषित करने का मामला हमेशा से कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता भी नजर आ रहा है। अब हाईकोर्ट की ओर से रिपोर्ट तलब करने की बात यहाँ पर कही गई है, अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कहा गया है आने वाले समय में ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से अगर आपके नजरिए से देखा जाए, तो जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार, जैसे मैंने जिक्र किया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, अधिकारियों को निर्देश भी यहाँ पर हाईकोर्ट की ओर से दिए जा रहे हैं कि पता करें कि आखिर किस वजह से कचरा फेंका जा रहा है, उस पर पाबंदी लगाई जाए, तो अब किस प्रकार से देख रहे हैं कि क्या ये वाकई में अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई उस पर की जाएगी? क्योंकि लंबे समय से कई बार शिकायतें भी देखने को मिलती है, बात की जाती है कि निराकरण किया जाएगा, लेकिन वो निराकरण होता नहीं है। देखिए, अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है अनुपमा, क्योंकि सरकार केंद्र की हो या राज्य की, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत तमाम बड़ी धनराशि को खर्च करने की कवायद में जुटी हुई है, और बार बार सरकार के स्तर से भी ये अपील की जाती रही है कि गंगा को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें और निर्मल रखें, और
क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और ऐसे में जब गंगा को प्रदूषित करने की बात आती है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और अधिकारियों की गंभीरता साफ तौर पर नजर आती है कि अधिकारी आखिर सरकार के इस परियोजना को लेकर के कितना गंभीर है और ऐसी परिस्थिति सामने क्यों आ रही है और जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं आखिर उनको दुरुस्त करने में, उनको धरातल पर उतारने में अधिकारियों का जो अमला है वो आखिर फेल जो साबित हो रहा है। तो मामला गंभीर है और ये सिर्फ टिहरी जनपद की बात नहीं, उत्तराखंड की बात नहीं, बल्कि पूरे देश का मामला है। क्योंकि गंगा की पवित्रता को अब प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो पवित्रता और निर्मलता बनी रहे और ऐसे में अगर गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है और बड़ी धनराशि खर्च की जा रही बावजूद इसके ऐसा नहीं हो पा रहा तो ये कहीं ना कहीं और गंभीर मामला हो जाता है। तो ऐसे में अधिकारियों को अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाना होगा और खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो भी अनुमति जिन भी व्यक्तियों को पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी गई है ये सुनिश्चित अधिकारियों को करना होगा कि आने वाले समय में इस तरीके की जो लाइसेंस या इस तरीके की जो अनुमति सरकार के अधिकारियों के स्तर से दी गई है उसका दुरुपयोग ना किया जाए और गंगा की पवित्रता को किसी भी स्तर पर जो गंगा की पवित्रता है उसको प्रदूषित ना किया जाए। अब देखना होगा क्योंकि मामला काफी गंभीर है कोर्ट का अगला कदम क्या होगा, कोर्ट की टिप्पणी क्या आएगी और अधिकारी जो है जो संबंधित अधिकारी है वो आखिर को कितना गंभीरता से लेंगे। जी बिल्कुल, और कितनी गंभीरता यहाँ पर दिखाते हैं और उसके साथ ही क्या कार्रवाई की जाती है और अधिकारियों के सामने जो जवाब तलब किया गया है हाईकोर्ट की ओर से वो उसका जवाब किस प्रकार से अधिकारी दे पाते हैं और हाईकोर्ट इस पर आगे क्या फैसला लेता है ये देखने वाली बात है। मैं लौटूंगी सोनू आपके पास में। देखिये, गंगा को प्रदूषित करने का पूरा मामला सामने आया जहाँ पर कहने को तो पाप नाशिनी गंगा को कहा जाता है लेकिन पाप धुलने के चलते तमाम जो ऐसे लोग हैं जो लगातार माँ गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं और इसी की वजह से अब हाईकोर्ट यहाँ पर सख्त होता नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब हाईकोर्ट ने निर्देश भी जारी कर दिए कि जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार की जाए। उसके साथ ही जो अधिकारी है जिन्होंने परमिशन दी है उनसे भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पर अब कार्रवाई और एक्शन लिया जाए।